रुड़की में पुलिस से बचने के लिए एक युवक ने तालाब में छलांग लगा दी। डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस को युवक के प्रतिबंधित मांस बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस उसकी घेराबंदी कर रही थी। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रुड़की में बाइक पर प्रतिबंधित मांस बेचने जा रहा युवक पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक बाइक से प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम युवक को पकड़ने के लिए पहुंची। युवक को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई। टीम से बचने के लिए युवक ने तालाब में छलांग लगा दी और डूबने से उसकी मौत हो गई। इधर मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने युवक की हत्या कर तालाब में फेंक दिया। सूचना मिलते ही रुड़की CEO नरेंद्र पंत समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। युवक के शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें 4 पुलिस वाले शामिल हैं, 5 पुलिस वाले 1:30 बजे घेरा कहीं से आ रहा था और अपना यहाँ घेर को और यहाँ से सब पहले उसमें बाजार फिर मार्गल और चोट का रूप दे दिया। हम भाई यहाँ कुछ ज्यादा तो उधर निकल गया था किनारे पर भाई, तो पुलिस वाला भाई भाग गया। गाँव वाले रुक के जा सर, हम बचा रहे। उन्होंने कहा जो बचा होगा उसको गोली मारी जाएगी। अरे खड़ा बंदूक 5-6 जने ये सर, 5-6 जने वहाँ बंदूक ले गए। उसे भाई का किनारे पे आ गया कट्टा लेगा तू बाहर आ गई गोली मारी जाएगी। रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।